हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो आपके मिड टर्म के अब एग्ज़ाम होंगे ना, आप कहेंगे सर अभी तो मई चल रहा है और मिड टर्म के एग्ज़ाम के बारे में, देखिए डीओई जो है वो पहले से ही इशू कर देती है, बता देती है कि मिड टर्म के एग्ज़ाम कब से होने वाले, ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट का देख रहा है, जिसकी कंपार्टमेंट अभी आई है ना 9th और 11th में, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी बच्चों के लिए कि जो मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है ना, मिड टर्म का एग्ज़ाम जो आपके होंगे, वो जो डीओई ने जो इशू किया वो बता दिया है कि आपके 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के बीच में चलेंगे, ठीक है। मिड टर्म के एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो आप पहले से अपने को प्रिपेयर रखें, हाफ हाफ कोर्स आप अपना कर लें, ठीक है। जो लास्ट ईयर आए थे ना टर्म फर्स्ट में, वही सारा सिलेबस अभी करें हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। बाकी आपका जो फाइनल टर्म होगा, मैंने आपको बता दिया था, वीडियो भी बता दी थी, जो फाइनल टर्म होगा उसमें आपको फुल सिलेबस आएगा। मैं स्पेशली अभी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी 6th से लेकर जो 8th क्लास है उनके लिए अब क्या होता है कि एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न आएगा, बुक से आएगा या मिशन बुनियाद जैसे पेपर ही चलेंगे, तो वो जैसे ही कन्फर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर किसी के मन में आ रही एमसी को डाउट है कि सर ये क्या है, देखिए जैसे आर्मी के स्कूल होते हैं ना, उनमें एडमिशन लेने के लिए, तो उनका जो टेस्ट है ना, तो ये देहरादून के अंदर होता है, तो ये 1 दिसंबर को होगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ बच्चे कहेंगे तो इसके ऊपर अलग वीडियो लाऊँगा, मैंने पहले भी प्रोवाइड करी थी वीडियो जिसमें एडमिशन को लेकर, एंट्रेंस को लेकर मैंने बताया था, ठीक है। और आपका रिजल्ट बता दिया इसमें पहले से कि 6 जनवरी को आएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका जो कॉमन एनुअल एग्ज़ाम है, क्लास 3rd से लेकर 9th क्लास और 11th क्लास, ठीक है। तो मतलब देखो, अब नीचे जो है यहाँ पर फाइनल के बारे में पूरा लिख दिया है, यहाँ पर देखो 9th, 10th, 11th, 12th का लिखा था ना, ठीक है ना, और यहाँ पर 3rd से लेकर 9th एंड 11th, मतलब पूरा क्लियर कर दिया कि जो 3rd क्लास में बच्चा है, 4th क्लास में बच्चा है, 5th है तो 6th है 7th है 8th है 9th है, तो उनका बुक से सारा आएगा, ठीक है। और एक बात सुन लो, जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो इस बात को ध्यान रखें, पहले अपनी एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से किया करो, ठीक है। और अगर 9th के 10th के 11th के 12th को देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर होता है, ठीक है, तो उस बुक को भी अच्छे से किया करो, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। शुरू शुरू में ये सब चीज़ें कर लोगे ना, तो बाद में नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर 10th का और 12th का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब उनके बोर्ड होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से उनके जो डेट शीट आएगी, ठीक है, सुन रहे। और रिजल्ट जो है वो 1st से लेकर 8th क्लास और 9th और 11th का इसके बीच में आ जाएगा, मतलब अगले साल से बिल्कुल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाकर, जैसे इस बार बहुत लेट हुआ ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसे स्कूल के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस होंगी आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ।